नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा, हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है अयादि स्वर संधि। संधि से संबंधित अन्य वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे आप अयादि स्वर संधि को पहचानने का एकदम आसान ट्रिक और अयादि स्वर संधि को विच्छेद करने का 3-स्टेप फॉर्मूला। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अयादि स्वर संधि को पहचानने का तरीका, लेकिन इसके लिए आपको अयादि स्वर संधि को विच्छेद करके देखते हैं क्या है अयादि। अयादि का जब हम विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो य में हलंत लगेगा तो यहाँ पर ये आ की मात्रा है बाहर आएगा और ये दी यहाँ पर आएगा तो होएगा अय जोड़ आदि। तो अय के अलावा और क्या, आदि मतलब और सारे उदाहरण क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं अय, अय के अलावा आय है, आव है और आव है। यही अय, आय, आव और आव जिस शब्द के मध्य अक्षर में होगा वहाँ पर अयादि स्वर संधि होता है। यह अयादि स्वर संधि को पहचानने का पहला ट्रिक है। दूसरा ट्रिक भी बताया जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि मध्य अक्षर में अय क्या है। तो अय वाले शब्द यहाँ देख रहे हैं, नयन है, चयन है, शयन है। तो मध्य अक्षर में यहाँ पर नयन में अय है। कैसे अय है यहाँ पर, तो नयन का हम जब वर्ण विन्यास करते हैं तो यहाँ पर ये देख रहे हैं न में जब हलंत लगेगा तो अ बाहर आएगा और यहाँ पर है य में हलंत लगेगा तो क्या आएगा, अ बाहर आएगा। तो ये अय यहाँ पर है। नयन में देख रहे हैं क्या है, अय। इसी प्रकार चयन में भी अय है, शयन में भी अय है। नायक यहाँ आ की मात्रा है तो आ यहाँ पर हो गया, यह यहाँ पर आ गया। तो नायक, विधायक, गायक, शायक, विनायक, यहाँ भी नाय में आय है, गायिका में भी आय है, यहाँ इका प्रत्यय हो जाएगा। नायिका, विधायिका शब्द के मध्य में आय है। इसी प्रकार पवन, तो प में जब हलंत लगेगा तो आ आएगा और व, तो पवन अव है, भवन में भी अव है, हवन में भी अव है, श्रवण पवित्र में सब में क्या है, अव है। अब अव, तो पावक यहाँ पर आ की मात्रा है तो ये आ हो गया, ये व हो गया। तो पावक में भी आव है, पावन में भी आव है, रावण, श्रावण, धावक, श्रावक, नाविक, भावुक, धावन में सब में आव है। तो यह अयादि स्वर संधि है, जहाँ मध्य अक्षर में है अय, आय, आओ और आव होता है वहाँ अयादि स्वर संधि होता है। यह पहला ट्रिक है। दूसरा ट्रिक यह है, जहाँ मध्य अक्षर में य और व होता है, देख रहे हैं यहाँ भी क्या है, नयन में यह है, चयन में भी यह है, शयन में है, समय यह है। समय यहाँ पर देख रहे हैं, समय क्या है, समय यह है। इसके बाद वह, मध्य अक्षर में क्या वह है, भवन में भी वह है, हवन में भी वह है, श्रवण में भी है, पावन में भी है, धावक समय वह है। जहाँ शब्द के मध्य में य और वह होता है वहाँ अयादि स्वर संधि होता है। तो आप कहेंगे कि यण स्वर संधि में भी यह वह होता है, लेकिन यण स्वर संधि में यह वाक्य के पहले आधा अक्षर जरूर होता है। यण स्वर संधि के एक उदाहरण लेते हैं, अत्यंत। तो यहाँ पर देख रहे यह तो है मध्य अक्षर में, लेकिन यह से पहले त क्या है, आधा अक्षर है। तो यहाँ पर त है क्या है, आधा है, इसलिए यहाँ पर यह यण स्वर संधि होगा न कि अयादि होगा। इसी प्रकार एक और हम उदाहरण लेते हैं, अन्वय। तो अन्वय में यहाँ पर मध्य अक्षर में वह है, लेकिन इसके पहले न क्या है, आधा वर्ण है, आधा अक्षर है, इसलिए यह यण स्वर संधि है न कि अयादि स्वर संधि है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ मध्य अक्षर में य से पहले चाहे वह से पहले कोई आधा अक्षर नहीं है। तो आधा अक्षर नहीं है य व से पहले, तो वह क्या होगा, अयादि स्वर संधि होगा। और य और व से पहले जहाँ आधा अक्षर होगा तो वह यण स्वर संधि होगा। तो आपने जाना अयादि स्वर संधि को पहचानने का ट्रिक। अब इसके बाद ये जितने सारे उदाहरण दिए हुए हैं इसका 3-स्टेप फॉर्मूला से कैसे संधि विच्छेद करेंगे। यह एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके द्वारा बिल्कुल आसान तरीके से आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं क्या है, आय का क्या होता है, ए होता है। तो ए की मात्रा देखते हैं, इस प्रकार होता है ए की मात्रा, आय का आय हो जाता है, आय की मात्रा डबल चोटी होता है, ए में सिंगल चोटी होता है, आव का ओ हो जाता है और ओ की मात्रा इस प्रकार है, आव के लिए आव हो जाता है तो आव की मात्रा इस प्रकार है। तो उदाहरण लेते हैं नयन। नयन का हम 3-स्टेप मेथड से संधि विच्छेद करते हैं।
तो पहले हम क्या करेंगे, इस नयन में क्या है, आय है, तो आय को अलग करना है। तो वर्ण विन्यास से हम अलग करेंगे तो नाव में हलंत लगेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ हो जाएगा, इसके बाद या आएगा, ये वाला या में भी हलंत लगाएंगे तो आ जाएगा बाहर, और ये न यहाँ पर जुड़ जाएगा। या दो अक्षरों के मेल से बना है, आधा या और अ। इसी प्रकार न दो अक्षरों के मेल से बना है, आधा न और अ, तो यहाँ पर आय हो गया। आय के लिए क्या है, आय के लिए ए है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए लिखेंगे, इसके बाद अन होगा यहाँ पर, तो ए की मात्रा क्या है, ए की मात्रा यहाँ पर सिंगल चोटी है, तो जब यहाँ पर ए इसमें सिंगल चोटी होगा, जब ए का मात्रा इसमें जुड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर हलन हट जाएगा तो ने हो जाएगा, इसके बाद ए अन हो गया, तो नयन का संधि विच्छेद हो गया, ने जोड़ अन। इसके बाद दूसरा आय वाले शब्द लेते हैं तो नायक, नायक का हम संधि विच्छेद करते हैं, तो नायक में क्या है, आय है, तो आय को अलग करते हैं वर्ण विन्यास के द्वारा। तो न में जब हलंत लगेगा, यहां पर आ की मात्रा है तो आ हो गया यहां पर, इसके बाद या लिखाएगा यहां पर, तो या में जब हलंत लगेगा तो क्या आएगा, अ बाहर आएगा, और ये इसके बाद ये क हो गया। इसी आय को अलग किया गया वर्ण विन्यास के द्वारा। तो आय के लिए क्या है, आय के लिए आय है, इसी आय को यहाँ पर लिखेंगे, आय के स्थान पर आय हो गया, इसके बाद ये अक हो गया उतरेगा यहाँ पर। तो आय की मात्रा देख रहे हैं यहाँ पर डबल चोटी है, तो यही जो आय है इस न में योग होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नय होगा और अक, तो नायक का संधि विच्छेद होगा, नय जोड़ अक। इसके बाद दूसरा उदाहरण लेते हैं, नायिका का लेते हैं, तो नायिका का किस प्रकार हम संधि विच्छेद करेंगे, नायिका, तो न में जब हलंत लगेगा, ये आ की मात्रा है, आ को यहां पर लिखेंगे, या यहां पर लिखाएगा, या में जब हलंत लगेगा तो यहां पर देख रहे हैं ये क्या है, हर्ष ई की मात्रा है, हर्ष ई, तो यहां लिखेंगे हर्ष ई लिखेंगे, इसके बाद का लिखेंगे यहां पर, तो आय के लिए क्या होता है, आय के लिए यहां पर आय है तो आय को लिखेंगे, इसके बाद ई का, तो आय का योग न में होगा तो क्या हो जाएगा यहां पर, नय होगा, नय जोड़ इका, तो नायिका का संधि विच्छेद, नय जोड़ इका। इसके बाद अगला उदाहरण लेते हैं, अ वाले शब्द को लेते हैं, पवन का लेते हैं, तो पवन का किस प्रकार हम संधि विच्छेद करते हैं, पवन, तो पवन में अ है, और शब्द है, तो अ को अलग करेंगे, प में जब हलंत लगेगा तो अ बाहर आएगा, इसके बाद ये वा को यहाँ पर लिखेंगे, वा में जब हलंत लगेगा तो अ बाहर आएगा, इसके बाद न अक्षर को यहाँ पर लिखेंगे तो अन हो गया, ये प हो गया, हलंत लगा है यहाँ पर। अ के लिए क्या है, अ के लिए ओ की मात्रा है, इसी ओ को अ के स्थान पर क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे, इसके बाद ये अन को उतारेंगे यहाँ पर, तो ओ का योग इसमें प में होगा, तो ओ के लिए क्या है, यहां पर मात्रा है, इस प्रकार ये ओ की मात्रा है, तो ओ के स्थान पर इस मात्रा को लिखेंगे यानी प में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पो हो जाएगा, तो पो जोड़ अन, तो पवन का संधि विच्छेद होगा, पो जोड़ अन। इसके बाद अगला उदाहरण लेते हैं, श्रवण का लेते हैं, श्रवण, तो श्र होगा यहां पर हलंत लगेगा तो अ बाहर आएगा,
इसके बाद वा लिखाया गया यहाँ पर, वा में हलंत लगेगा तो आ बाहर आएगा। जहाँ स्र होता है यानी र की र जहाँ पर होता है ये पूरा र है, लगता है कि आधा र है, रेफ वाला आधा र होता है, ये वाला जो र होता है पूरा होता है। तो ये जहाँ र होता है वहाँ पर र का क्या होता है, न हो जाता है, तो अन हो गया यहाँ पर, तो ये स्र हो गया। औ के लिए क्या होता है, ओ होता है, और ये अन हो गया यहाँ पर। स्र का मात्रा इस प्रकार होता है, स्रो हो गया यहाँ पर और अन, तो श्रवण का संधि विच्छेद होगा स्रो जोड़ अन। इसके बाद अगला उदाहरण लेते हैं, वह है पावक, आ वाले शब्द लेते हैं पावक। तो यहां देख रहे हैं ये प में जब हलंत लगेगा तो प अ, प में जब हलंत लगेगा तो आ की मात्रा है यहाँ पर, आ अलग होगा, इसके बाद वा लिखाएगा, वा में जब हलंत लगेगा तो अ बाहर आएगा, इसके बाद इस क को यहाँ पर लिखेंगे। आव के लिए क्या होता है, आव के लिए आव होता है, तो इस आव के, आव के स्थान पर क्या लिखेंगे, आव लिखेंगे, आव। इसके बाद यहाँ पर अख होगा, तो आव की मात्रा क्या होता है, आव की मात्रा जो है यहाँ पर डबल चोटी है और नीचे एक पाई खींचा हुआ है, तो आव का योग इस प में होगा तो हो जाएगा यहाँ पर प और हलंत हट जाएगा, प जोड़ अक, तो पावक का संधि विच्छेद होगा प जोड़ अक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थ्री स्टेप मेथड के द्वारा किस प्रकार हम संधि विच्छेद करते हैं। तो विच्छेद करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या किया गया, आय, यहाँ पर नयन चयन शयन में से कोई एक शब्द का संधि विच्छेद करना होगा। तो सबसे पहले पहचानेंगे कि आय है उस शब्द में, कि आय है कि आव है कि आव है। तो पहचानने के बाद मान लीजिए कि नयन का जब किया गया तो इस नयन में आय है तो आय को अलग किया गया, तो आय के स्थान पर क्या रखा गया, आय होता है, आय रखा गया। आय का मात्रा क्या होता है, सिंगल चोटी होता है, इसमें ए का योग न में हो गया तो ने जोड़ अन हो गया। इसी प्रकार जितने सारे यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं इसे आप कॉपी कलम लीजिए और इन सारे शब्दों का खुद से आप प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको संधि विच्छेद में आप पारंगत हो जाएंगे। यह बहुत बिल्कुल आसान तरीका है, आपको इसमें नियम को रटने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद हमने जाना इस वीडियो में कि किस प्रकार हम अयादि स्वर संधि को पहचानेंगे। पहचानने का पहला ट्रिक बताया गया कि शब्द के मध्य में जहाँ पर आए आए आओ और आव होता है वहाँ पर अयादि स्वर संधि होता है। शब्द के मध्य में य और व होता है, य है समय य और व होगा, लेकिन यही ध्यान रखने की जरूरत है कि य व के पहले अगर आधा अक्षर होता है तो वह यण स्वर संधि होता है, अगर आधा अक्षर नहीं होता है तो वह अयादि स्वर संधि होता है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताइए। हमें सपोर्ट करने के लिए हिंदी पर्व को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।